अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर ऑटो कार डिटेल। आज हमारे पास है ये आल्टो लुकी महरान, उसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बताएंगे आपको कि भाई ने मुकम्मल फ्रंट सस्पेंशन का काम करवाया है। ये गाड़ी आपकी 100-150-200 किलोमीटर चलती है और बहुत ज़्यादा इनकी रनिंग है गाड़ी की, डेंटर भी लग गया है इस गाड़ी की। और इन्होंने हर अप डाउन जगह पे जाना होता है तो इस भाई ने मुकम्मल हिस्से का काम करवाया था, हर चीज़ नई डलवाई थी ताकि जान छूट जाए, ये इजी हो के अपनी मजदूरी कर सकें। तो ये आप एक तो घर में गाड़ी यूज़ करते हैं, ये गाड़ी है क्रीम जेंगो ओबर इन ड्राइव पे यूज़ होने के लिए इस्लामाबाद में इस्तेमाल होती है। तो इसका एक ऐसा फॉल्ट जो हर चीज़ इन्होंने नई डलवाई मगर जिस भाई ने ये फिट किया उन्होंने इसको फोकस नहीं किया, एक छोटी सी गलती की वजह से इनके टायर बिल्कुल ही एक साइड से चट हो गए, ख़त्म हो गया टायर। और आपको पता है महरान का अच्छा टायर जो है ना चाइना का खास कर लिया तो वो भी 10,000-9,000-10,000 का एक टायर है। तो ये इसका आपको फॉल दिखाते हैं, एंड छुड़ा लिया हमने और इसके बॉल जंट खोल के इसका चिमटा वायर निकालते हैं। ये देख रहे हैं लड़के ने ऊपर रॉकेट को किया है, बिल्कुल टाइट है इसकी गोली, कोई लूज नहीं है। अब ये इसका बॉलचंड निकाल रहे हैं, बॉलचंड निकाल के उसके बाद इसकी आपको बताते हैं क्या फॉल्ट है। एक छोटा सा फॉल्ट है, जब भी आप फ्रंट सस्पेंशन का काम कराएं कोशिश किया करें इस चीज़ को फोकस किया करें और ये आपकी गाड़ी में ये ना दोबारा ना आ सके। तो उस फॉल्ट को मैं पहले ज़रा बता देता हूँ, जिक्र ले लेता हूँ, हब साइज उसे कहते हैं, हब का साइज कौन होता है मैं वो खोल के आपको ज़रा तफसील से इसकी गाइड बता दूंगा। ये हमने बॉल जंट छुड़वा ली है तो हबला निकाल के बॉल जंट यहाँ से छुड़वा लेंगे। ये चीज़ जो अभी निकाल रहे हैं ये इसमें लूज़ हो जाता है, हब के अंदर इसका बॉल जंट लूज़ हो जाता है। चिमटे इन्होंने नए डलवाए थे, प्लैटिनम कम्युनिकेट लाए थे और वो हब के अंदर लूज़ हो चुका था। अब यही चिमटा खोल के आपको दिखाते हैं, वो देखें ये कितना लूज़ है, इसको खोल के दोबारा आपको चेक कराते हैं इसकी क्या कंडीशन है और इसकी फॉल्ट क्या था जिस वजह से गाड़ी के टायर लूज़ हो गए, डेड हो गए टायर। बॉल जंट देखते हैं गोली इसकी, बॉल जंट गोली बिल्कुल सही टाइट है, बिल्कुल लूज़ नहीं है। हालांकि ये डेढ़ महीना पहले वो कह रहे हैं कि हमने मुकम्मल सस्पेंशन का काम हुआ है तो डेढ़ महीने तो मैं तो नहीं लूज़ होना चाहिए चिमटा, मगर इसका फॉल्ट कोई एक और था, वो फॉल्ट की तरफ अभी जा रहे हैं। ये मुकम्मल खुल गया, बस ये हब निकाल रहे हैं तो आपको फॉल्ट दिखाते हैं। तो वीडियो बनाने का भी मकसद ये था कि अक्सर हम फ्रंट सस्पेंशन पे ख़र्चा तो कर लेते हैं और बड़े मुतमिन हो जाते हैं कि हमने जी मुकम्मल ख़र्चा कर लिया, हर चीज़ नहीं डाल गई है, बेगम सर्विस हो जाए। आपको तो नहीं पता इसमें नुक्स क्या है, फॉल्ट क्या है, मगर वही फॉल्ट आपकी गाड़ी के टायर ख़राब करने का सबब बनता है। जो आपकी गाड़ी के टायर इस वक्त तकरीबन 40,000 के राउंड बोट इसका सेट है मुकम्मल, ठीक है, और आपके टायरों का सत्यानाश कर देगा, सस्पेंशन की एक चीज़ भी लूज़ हो जाए तो। चिमटा हम निकाल रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसका फॉल्ट क्या है। ये वाली गलती भाई ने की है, ये देखें ये चिमटा इसमें डालेंगे, आपको दिखाते हैं कितना लूज़ है इसका चिमटा। मैं सब व्यूअर से थोड़ी सी माजरत चाहूँगा, मेरे कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा सा कम है मगर थोड़ा सा जूम करके करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितना उसके अंदर हब के अंदर लूज़ है, ये बोल्ट टाइट भी कर दें तब भी वो इसमें लूज़ रहता और खड्डू में या स्पीड ब्रेकर पे कड़क कड़क की आवाज़ आती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि वह आपको दिखाते हैं, चिमटे की गोली बिल्कुल ठीक है मगर लूज़ रहने की वजह से चिमटे की गोली थोड़ी सी कट गई है। इस भाई ने पहले इसका हब साइज भी करवाया है, हब के अंदर वेल्डिंग करके थोड़ा सा प्रेस करवाया है ताकि वो चिमटा लूज़ हो जाए, टाइट हो जाए, मगर इससे इसके बावजूद भी ये गाड़ी चलती बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कितना लूज़ है, चलती बहुत ज़्यादा है और फिर वो वेल्डिंग ख़राब हो जाता है और गाड़ी के अंदर हब लूज़ हो जाता है। गोली इसकी बिल्कुल टाइट है, चिमटा आप देख रहे होंगे, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ
हब के अंदर से ये वेल्डिंग, अंदर से वेल्डिंग करवा के उन्होंने फिट भी करवाया है। आप देख सकते होंगे जिधर कट है उस साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे अंदर से स्पॉट लगे हुए हैं वेल्डिंग के पुराने। उन्होंने वेल्डिंग करवा के उसको फिट करने की भी कोशिश की है, मगर हब साइज़ बरकरार नहीं रहा। अब इसका हमने एक हल निकाला है कि इसको क्या करें, वेल्डिंग करवाएं या फिर जो है ना चिमटा चेंज करें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक प्लैटिनम का चिमटा है, चलता बहुत अच्छा है, मगर इसका हब गोली का जो साइज़ है वो थोड़ा सा हल्का सा पतला होता है, उसके अंदर फिट नहीं होता। तो अभी भी प्लैटिनम का चिमटा लेके आते हम तो उसमें लगाते तो उसमें फिट नहीं आना था। अब इसमें हमने ये एफको का चिमटा लिया है, एफको का चिमटा इसमें डालेंगे। एफको का चिमटा इसे 100 से 200 रुपया महंगा है, क्या ये 1200 रुपये का गालबन एफको का चिमटा है। ये एफको का चिमटा इसमें डालेंगे और ये देख रहे हैं, मैं करीब करके आपको ज़रा दिखा देता हूँ, इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई लूज नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो मैं इस वीडियो को टाइप नहीं करूँगा, रोकूँगा नहीं, ताकि आपको मुकम्मल इसकी डिटेल मिले। आप ये ना कहें कि यासर मैकेनिक ने इसमें कोई रद्द बदल किया। अब ये एक दफ़ा पुराना चिमटा भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखते हैं ज़रा, इसको मैं ज़रा खरीद करके दिखा दूँ, देखिए कितना लूज है इसमें। ये वही हब है, वही चिमटा है, वीडियो मैं रोक नहीं रहा ताकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए। ये देखें कितना इसमें लूज है चिमटा, चिमटा ऊपर से हिला रहा हूँ, मगर हब अपनी जगह पर स्टिल खड़ी है और हब के अंदर ये लूज है। अब इसका मैं एक हाल निकाल बता रहा हूँ, चिमटा जो दूसरे कट करेंगे वो आप देखिएगा कितना फिक्स है। मैं कोई वीडियो को रोक के नहीं दिखा रहा ताकि आप तक मुकम्मल तफसील पहुँच सके, जिस चीज़ मकसद के लिए वीडियो बनाई है वो आप तक ओरिजिनल वीडियो पहुँचे। ये हथौड़े से इसमें फिट करेंगे क्योंकि ये टाइट जाएगा, ये लूज नहीं है उसमें। देखिए अब इसको चिमटे को जैसे जैसे हिलाएंगे पूरा हब हिलेगा, वो तो चिमटा पूरा हिलता था ना, इसमें हब हिलेगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा पीछे कैमरा करके भी आपको दिखा दूँ ये किस तरह टाइट है, ठीक है जी। और ये थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, गोली भी इसमें मुकम्मल टाइट है, अब इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये छोटा सा फॉल्ट था जो भाई ने फिट करने से पहले इसका सस्पेंशन सारा खर्चा किया, कि छोटा सा इसका हब का साइज भी चेक कर लेता तो कभी भी ऐसी नौबत ना आती कि जिससे गाड़ी के टायर ख़राब होते। ये भाई के टायर हैं, ये देख सकते हैं आप, एक साइड से टायर बिल्कुल चेक हो चुके हैं, बिल्कुल ही प्लेन नया टायर था इसका, और दूसरी साइड से गुड्डी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इस भाई ने डेली 100-200 किलोमीटर चलानी होती है। इन ड्राइव यंगो, ये ऊपर देख रहे हैं आप, यंगो का लगा हुआ है मोनोग्राम, और ये बतौर टैक्सी चलाते हैं इस्लामाबाद में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है रोड। तो इस्लामाबाद के माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरे हैं, मगर इसके लिए आपका सस्पेंशन का परफेक्ट होना भी ज़रूरी है ताकि आपके टायर बरकरार रहें। ये देख रहे क्या हालत टायर का कर दिया है, एक छोटी सी गलती की वजह से सारा सामान आपसे नया डलवा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके टायर ख़त्म कर रही है। तो इन चीज़ों को लाजमी फोकस करें, जब भी हिस्सा करवाएं अपना कहने के भाई को बोलें कि ये चीज़ों का ख्याल रखें। अब सिर्फ़ और सिर्फ इस भाई का एक चिमटा ही हम चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी हर चीज़ ओके थी। चलो मिस्टर कार्ड ओके।